आरसीबी की विमेंस टीम ने विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में अपनी जगह को पक्का कर लिया है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें 136 रनों का टारगेट हासिल नहीं करने दिया। आरसीबी के लिए इस मैच में एक बार फिर से एलिस पेरी का ऑलराउंड प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें उन्होंने बल्ले से जहां 66 रनों की अहम पारी खेली तो गेंदबाजी में एक विकेट भी हासिल किया। अब विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के फाइनल मुकाबले में 17 मार्च को दिल्ली और आरसीबी के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। आयरलैंड टीम के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 27 गेंदों में 25 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। अपनी इस छोटी पारी में स्टर्लिंग ने 400 चौकों का आंकड़ा भी पार कर लिया, जिसके बाद वे टी20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम है, जिन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल में 395 चौके लगाए हैं। पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम साल 2024 में सिर्फ 74 दिनों के अंदर टेस्ट क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर चुके हैं। बाबर ने इस साल अब तक टी20 क्रिकेट में 21 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 53.05 की औसत से 1008 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक के अलावा 10 अर्धशतकीय पारियां भी शामिल हैं। टी20 क्रिकेट में अब तक एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार 1000 प्लस रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने इसे 9 बार किया है। वहीं बाबर आजम अब तक ये कारनामा 5 बार करने में कामयाब हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने रेड बॉल क्रिकेट से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। आपको बता दें, वेड शेफील्ड शील्ड के मौजूदा सत्र में 21 से 25 मार्च तक होने वाले फाइनल मुकाबले में तस्मीनिया की टीम से अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे मैथ्यू वेड। वेड ने ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए 36 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 29.87 की औसत से 1613 रन बनाए। वेड के नाम टेस्ट क्रिकेट में 4 शतक और 5 अर्धशतकीय पारियां दर्ज हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों के लिए रिजर्व डे निर्धारित होंगे। इसके अलावा ग्रुप चरण और सुपर 8 चरण मुकाबलों में दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम को कम से कम 5 ओवर फेंकने की आवश्यकता होगी। हालांकि नॉकआउट मैचों में दूसरी पारी में कम से कम 10 ओवर फेंकने की आवश्यकता होती है। साल 2026 में भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर आईसीसी की तरफ से क्वालिफिकेशन नियमों का ऐलान कर दिया गया। 20 टीमें इस टूर्नामेंट में खेलती हुई नजर आएंगी, इसमें से कुल 12 टीमें रैंकिंग और वर्ल्ड कप 2024 में अपने प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई कर जाएंगी, जबकि 2 से 4 टीमें आईसीसी रैंकिंग के आधार पर अपनी जगह पक्की करेंगी। विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का एलिमिनेटर मुकाबले का अंत काफी रोमांचक तरीके से देखने को मिला। इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम की हार के बाद उनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि आखिरी 12 गेंदों में हमें सिर्फ एक बाउंड्री चाहिए थी, लेकिन हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके। जब मैं आउट हुई तो उसके बाद हमारे बल्लेबाज दबाव में आकर इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हरमनप्रीत कौर ने आगे कहा कि यह सीजन हमारे लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। पिछले सीजन एक टीम के तौर पर हमने शानदार प्रदर्शन किया था। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का आगाज 22 मार्च से होगा। इसी बीच लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा वेस्टइंडीज के युवा स्टार खिलाड़ी शेमार जोसेफ भी अपनी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ गए। शेमार जोसेफ को लखनऊ सुपर जायंट्स ने मार्क रूट की जगह अपनी टीम में शामिल किया है। जोसेफ की टीम के साथ जुड़ने पर लखनऊ ने उनका स्वागत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका टीम के खिलाड़ी प्रथम निसंका के बल्ले से शानदार शतकीय पारी देखने को मिली। निसंका ने 113 गेंदों में 114 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल थे। शतक लगाता ही प्रथम निसंका साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने साल 2024 में 629 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल पहले नंबर पर काबिज, उन्होंने साल 2024 में अब तक 812 रन बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साल 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है, लेकिन बीसीसीआई के रुख से उसे इसके आयोजन पर एक बड़ा झटका लग सकता है। आईसीसी बोर्ड के एक सदस्य ने इसके आयोजन को लेकर बड़ा बयान दिया है कि बीसीसीआई टूर्नामेंट की तारीख के करीब आने पर ही फैसला लेगा और यूएई में इसका आयोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।